नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे अपने चैनल रोजगारपुर में। बच्चों, आज की क्लास में हम आर्टिकल 26 से स्टार्ट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल 26, देखिए, किसी भी धार्मिक कार्यक्रम और सम्मेलन को आयोजित करने का अधिकार है। ठीक है, आर्टिकल 26 के तहत कोई भी धर्म का व्यक्ति अपने धार्मिक कार्यक्रम या सम्मेलन को आयोजन कर सकता है, वह इस चीज़ का अधिकार रख सकता है संविधान के आर्टिकल 26 के अनुसार। ठीक है, अब आते हैं आर्टिकल 27। देखिए, भारत में प्रत्येक धार्मिक आय को टैक्स फ्री समझा जाएगा। क्या समझा जाएगा? कर मुक्त समझा जाएगा। भारत में प्रत्येक धार्मिक आय को कर मुक्त समझा जाएगा। किसके तहत? आर्टिकल 27 के तहत। आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 28। देखिए, किसी भी शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा का प्रावधान नहीं किया जाएगा। समझे इस चीज़ को थोड़ा सा। जैसे यूपी बोर्ड है, यूपी बोर्ड में भगवद गीता हो गई या कोई भी ग्रंथ हो गया जो धार्मिक से संबंध रखता है वो नहीं पढ़ाया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसमें एक एग्जम्पशन है, एक अपवाद है कि भारत के अल्पसंख्यकों को अधिकार है कि वे धार्मिक शिक्षा के लिए विशेष संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं, जैसे कि मदरसे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, इसमें आर्टिकल है 29 और 30। आर्टिकल 29 कहता है कि व्यक्ति को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को मानने तथा उसका विकास करने का अधिकार है। ठीक है, ज़्यादातर आप संस्थाएं देखते होंगे वो आर्टिकल 29 के तहत ही रजिस्टर्ड की जाती हैं। आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 30। व्यक्ति को किसी भी शैक्षणिक संस्थान में शिक्षा लेने तथा प्रवेश लेने से वंचित नहीं किया जा सकता है। यानी कोई व्यक्ति है वो आर्टिकल 30 के अनुसार एकदम फ्री है, वो किसी भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश ले सकता है, यानी कि शिक्षा ले सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32, थोड़ा समझेंगे। देखिए, आर्टिकल 32 इसमें क्या, देखो, सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट का जो आर्टिकल है 226, एक रिट जारी करेगी। क्या जारी करेगी? एक रिट जारी करेगी जिसमें मौलिक अधिकार हनन होने पर, ठीक है, हनन होने पर उसको कोर्ट में बुलाया जाएगा। देखिए, आर्टिकल 32 के तहत कुछ चीज़ें हैं। देखिए, पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी कि मौलिक अधिकारों का जो भी खनन करेगा उसको फिजिकली सुप्रीम कोर्ट में प्रेजेंट होना होगा। ठीक है, आगे देखते हैं, परमादेश। देखिए, यह रिट सरकारी कर्मचारी या किसी भी संस्था के खिलाफ जारी की जाती है जिसने संविधान का उल्लंघन किया है। कोई भी संस्था हो गई इसने संविधान का उल्लंघन किया होगा, उसके लिए ये रिट लगाई जाती है, रिट जारी की जाती है। ठीक है, चलिए अब आते हैं उत्प्रेक्षण। देखिए, यह जो रिट होती है, यह रिट अधिकतर न्यायालयों या निचली अदालतों के खिलाफ जारी की जाती है जो संवैधानिक रूप से कार्य नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा है, चौथा है निषेध, यानी कि प्रतिषेध। इस रिट के तहत सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिए गए किसी भी निर्णय को रद्द कर सकते हैं। बात समझ में आई? सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट इस निषेध रिट के तहत निचली अदालत के किसी भी निर्णय को रद्द कर सकते हैं। आगे आता है बच्चों अधिकार, यानी कि परीक्षा। अगर कोई व्यक्ति गलत तरीके से किसी भी सरकारी पद को ग्रहण कर लेता है तो इस रिट के तहत उसकी नौकरी रद्द की जा सकती है। ठीक है, चलिए, लेकिन ये सारी की सारी रिट किसके तहत आती है बच्चों? आर्टिकल 32 के तहत। किसके तहत? आर्टिकल 32 के तहत, ये लोग याद रखेंगे। तो आज की वीडियो में बच्चों इतना ही, मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय।